गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। मैं अपने चैनल में बहुत दिनों से कंटिन्यूअसली वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब से हमारे चैनल पे जो वीडियो होंगे वो कंटिन्यूअसली आएंगे। और जिस भी स्टूडेंट को जिस टॉपिक पे भी दिक्कत होगा, जिस भी टॉपिक पे प्रॉब्लम होगा, वो कमेंट करेंगे, उस टॉपिक पे वीडियो अपलोड किया जाएगा। कुछ और भी बातें थे। देखिए, हमारी सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे भी चीजें हो रही है जो कि होना नहीं चाहिए, तो इसके लिए हम लोग ही रिस्पॉन्सिबल है। ऐसा बात नहीं कि आप दूसरे पे ब्लेम करोगे, इस पे ब्लेम करोगे, उस पे ब्लेम करोगे। लोगों का मेंटलिटी बहुत ही चेंज हो चुका है, और ये कोई भी इंसिडेंट चाहे गर्ल्स को लेकर हो, है ना, जैसे कि बहुत सारे गर्ल्स से जो छेड़खानियां सुनने को मिल रहा है या फिर बहुत जगह देखने को मिलता है, तो ये हो कैसे रहा है? ये लोगों के मेंटलिटी के वजह से हो रहा है। लोगों का सोच बहुत ही दिन प्रतिदिन बोलूं तो खराब होते चला जा रहा है, और इसके लिए हम लोग को यही करना होगा कि हम लोग को खुद में परिवर्तन करना होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक इंसिडेंट हो गया इससे लोग अलर्ट हो जाएंगे। डे बाय डे इस तरह का इंसिडेंट हम लोग को सुनने को मिलता है कि उस गर्ल के साथ ये हो गया, इस गर्ल के साथ ये हो गया, है ना। लेकिन इस तरह का कोई भी इंसिडेंट नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग को यही ध्यान में रखना होगा कि हम लोग को खुद में अवेयरनेस लाना होगा, और खुद में लोगों को एक तरह से बोलिए तो एक अच्छे तरीके से रहिए, ताकि हम लोग का सोसाइटी बेटर तरीके से बना रहे, ताकि लोग बिना फियर के, बिना किसी डर के निकल सके घर से बाहर, अच्छी एजुकेशन ले सके, कहीं पर भी जा सके, जॉब के लिए जा सके, कहीं पर भी जा सके। बहुत सारी गर्ल्स फियर के वजह से, डर के वजह से जो वर्क वो करना चाहती है या फिर कहीं बाहर एजुकेशन लेना चाहती है, इन सभी इंसिडेंट के वजह से वो बाहर की ओर जा नहीं पाती है, या फिर एक तरह से मैं बोलूं तो बेटर एजुकेशन ले नहीं पाती है, या कहीं जॉब नहीं कर पाती है, लेट नाइट तक कहीं स्टे नहीं कर पाती है, देर रात तक कहीं रुक नहीं पाती है। रीजन क्या है? रीजन ये हो गया है कि हम लोग का जो सोसाइटी है वो डे बाय डे बहुत ही खराब होते जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सोसाइटी के सारे लोग खराब हो गए हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन सोसाइटी के बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो वो अच्छे लोगों के बीच में गलत मेंटिलिटी लेके प्रेजेंट है, वहां पर हैं। और उन्हीं लोगों की वजह से जो अच्छे लोग भी होते हैं, वो उन्हीं लोगों की वजह से क्या होते हैं, एक तरह से बोलो तो बदनाम हो जाते हैं। तो मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि हम लोग सभी का रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनता है कि हम लोग खुद में सुधार लाएं, क्योंकि हम लोग दूसरे को अगर बोलेंगे कि आप ये चीज अपने में चेंज कर लो या वो चीज अपने में चेंज कर लो, तो वो चेंज नहीं होने वाला। सबसे पहले ये है कि हम लोग को पहले अपना नजरिया बदलना होगा। हम लोग जिस प्रकार से अपनी सिस्टर को देखते हैं, उस प्रकार से आपको दूसरी को सिस्टर को भी देखना है ना, क्योंकि वो भी आपकी, समझिए, वो भी गर्ल्स है, आपकी सिस्टर भी गर्ल्स है। जिस प्रकार से आप अपनी सिस्टर को देख रहे हैं, उसी प्रकार से आप दूसरी के सिस्टर को भी देखो, है ना। तो गलत नजरिए से आप अगर किसी को देखेंगे भी नहीं, तो होगा इससे क्या कि हमारा सोसाइटी बेटर बनेगा, और इससे बिना फियर के गर्ल्स ये सब कहीं भी ट्रेवल कर पाएंगे, लेट नाइट तक कहीं जॉब भी कर पाएंगे, या फिर बेटर एजुकेशन के लिए कहीं पर जा भी पाएंगे, मतलब बहुत सारे थिंग्स को वो डन कर पाएंगे। आज के टाइम में, एट मॉडर्न टाइम में, गर्ल्स ऐसे ऐसे चीजों को कर पा रही है जो कि बॉयज नहीं कर पा रहे। ऐसा बात मैं नहीं बोल रहा हूं कि बॉयज में पोटेंशियल नहीं है, बॉयज में भी बहुत पोटेंशियल है, गर्ल्स में भी बहुत पोटेंशियल है, लेकिन क्या है कि बहुत सारे गर्ल्स का पोटेंशियल इन सभी रीजनों की वजह से क्या हो जाता है, हिडन रह जाता है, छिपा हुआ रह जाता है। वो अपने टैलेंट को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रही है। क्यों? क्योंकि कारण यही सब है, लोगों का मेंटेलिटी चेंज हो गया है। तो उम्मीद करूंगा कि सभी लोग अपने आप में सुधार लाएंगे, क्योंकि देखिए, हम लोग खुद में सुधार लाएंगे, दूसरे लोग हम लोग को देखेंगे और उससे फिर वो मोटिवेट होंगे और उससे फिर वो सुधार लाएंगे। हम लोग को यही अलर्ट करना पड़ेगा सोसाइटी में
कि हम लोग को दूसरे के साथ में अच्छे तरीके से बिहेव करना चाहिए, किसी के साथ गलत बिहेवियर रिप्रेजेंट नहीं करना चाहिए, किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो इससे एक ही चीज मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि हम लोग अपने सोसाइटी को क्या करना है, चेंज करना है। उम्मीद करता हूँ कि हम सभी मिलकर क्या करेंगे, सोसाइटी में चेंजेस लाएंगे, बदलाव लाएंगे।